तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं सैमसंग जो कीबोर्ड होता है दोस्तों, उसके अंदर का एक टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूं, या फिर बोल सकते हैं सैमसंग कीबोर्ड का हिडन फीचर बताने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो उसकी मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं आगे। मेरा नाम सनियर और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको सैमसंग कीबोर्ड के कमाल का टिप्स एंड ट्रिक बता रहा हूँ। तो उसके लिए मैं ले आता हूँ, पहले तो आपको यहाँ पर मैं आ गया हूँ यहाँ पर अपने व्हाट्सएप पे, और मैंने यहाँ पर कीबोर्ड को ओपन कर लिया। तो सबसे पहले तो कीबोर्ड का लेआउट आपको दिख रहा होगा कैसा अलग सा दिख रहा है। और सबसे मेन चीज, यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो आप देखेंगे कलरफुल आपको दिख रहा है। आप देख रहे होंगे कितना कलरफुल ये सब दिख रहा है। जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ ये आपको सब यहाँ पर कलरफुल दिख रहा होगा। तो इस तरह से आप डिजाइन कैसे कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं इस तरह का इफेक्ट आप कैसे अपने कीबोर्ड में डाल सकते हैं, ये आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको करना क्या होगा, सैमसंग गैलेक्सी में एक गुडलक ऐप होती है जो कि सैमसंग की तरफ से ही होती है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना। ये आपको आपको सैमसंग गैलेक्सी में बहुत इजीली मिल जाएगी। गैलेक्सी स्टोर में आपको गुडलॉक ऐप मिल जाएगी, आपको इसको डाउनलोड या इंस्टॉल कर लेना है। इसके जैसे ही आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ जाना है आपको फैमिली वाले ऑप्शन पे। फैमिली ऑप्शन में जाएंगे तो आपको मिलेगा की कैफे वाला ऑप्शन, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप को यहाँ पर आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों करना क्या है आपको, यहाँ पर जो सेकंड नंबर पे मिला है, पहले नंबर पे क्या है, मैक योर ऑन कीबोर्ड। अगर अपना खुद का कीबोर्ड बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और जो पहले से इंस्टॉल्ड आपका कीबोर्ड है उसमें इफेक्ट डालना हो तो आपको यहीं जाना है, स्टाइल योर ऑन कीबोर्ड। स्टाइल ऑन कीबोर्ड में आने के बाद आपको इतने सारे प्री डिफाइंड इतने सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे। आपको जिससे भी जोन सा भी आपको अच्छा लगता है आपको उस पर क्लिक कर लेना है, उसको अप्लाई कर लेना। अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, जो आपका पहले का है आप उसको भी चलने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे। तो इफेक्ट में आप देखेंगे कितने सारे यहाँ पर आपको इफेक्ट्स दिए गए, आप देख रहे होंगे कितने सारे यहाँ पर आपको इफेक्ट्स दिए गए। लाइक मुझे यहाँ पर कोई दूसरा इफेक्ट डालना है, पहले मेरा इफेक्ट क्या है आप देखेंगे, पहले ऐसा कुछ इफेक्ट्स था आ रहा है। तो पहले मेरा जो इफेक्ट है अब मैं दूसरा इफेक्ट ले लेता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर ये वाला इफेक्ट ले लिया और यहाँ पर आ गया हूँ, तो आप देखेंगे अब इफेक्ट यहाँ पूरी तरह से चेंज हो गया। और अगर आपको इसका कलर चेंज करना हो, जो कि आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड का कलर, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इतने सारे आपको कलर मिल जाएंगे। या फिर आप अपना चूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चारों कलर भी चूज कर सकते हैं। अब लाइक मैंने ये वाला कलर यहाँ पर चूज कर लिया और डन कर दिया, तो अब देखेंगे अब मैं इधर आ गया हूँ और अब आप देखेंगे यहाँ पर कलर आपको अलग अलग दिख रहे होंगे। जब जब मैं करूँगा जब जब यहाँ पर कलर आपको अलग आएंगे। सेम ऐसे अगर आपको कोई दूसरा इफेक्ट लगाना है, यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर भी इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं। ये सब इफेक्ट चेंज होते जाएंगे। अब देखेंगे ये सब इफेक्ट्स यहां पर चेंज हो रहे हैं। यहां पर आपको बहुत सारे यहां पर इफेक्ट्स दिए गए हैं, आप एक एक करके जो सा भी आपको इफेक्ट्स अच्छा लगता है आपको उस पर क्लिक करके उसको अप्लाई कर लेना है। ये नीचे ऊपर दिए गए और ये ऊपर नीचे है इसके की कलर इफेक्ट, ये जो की का कलर है उसका इफेक्ट है, आप यहां पर इसको भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि मैं यहां पर आ गया, अब मैंने यहां प्रेस करा, आप देख रहे होंगे कलर अलग अलग आ रहा है, तो आप इसका भी यहां पर कलर सेट कर सकते हैं। अब मैंने इसको ये सेट कर दिया और यहां पर आया तो आप देखेंगे आप की का कलर वही आएंगे जो आपने सेट करा होगा, आप देख रहे होंगे। ऐसे ही आप इसका इफेक्ट यहाँ से और भी सेंड कर सकते हैं। ये वाला करना चाहें तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। की के इफेक्ट्स आप यहाँ पर पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। इतने सारे यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे लाइक इसमें बॉक्स बन के आ रहा है तो अब मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे वहाँ पर बॉक्स बन के आपको दिख रहा होगा, ये बॉक्स बन के आपको दिख सकते हैं, वहाँ पर बॉक्स बन के आ रहा है। तो ऐसा यहाँ पर मिलेगा, उसके नीचे मिलेगा की मोशन। जैसा कि मोशन वाला है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं मोशन अलग अलग है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसका मोशन अलग है, थोड़ा ऊपर की तरफ पुश हो रहा है, तो ये आप पुश होकर भी यहाँ पर कर सकते हैं। ये तो हो गया, यहाँ पर आपको इतने सारे इफेक्ट्स दिए गए, जो सभी इफेक्ट्स आपको बेस्ट लगता है आपको उस पर क्लिक कर लेना है और वो ऑटोमेटिक आपके यहाँ पर कीबोर्ड में अप्लाई हो जाएगा। अगर आप किसी ऐप में जाके भी उसको यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक वो अप्लाई हो जाएगा, आपके पास कोई सा भी जो भी होगा उसके थ्रू ये काम करने लग जाएगा। तो बहुत काम का ही वाला फीचर है। उसके बाद यहाँ पर साउंड पे जाएंगे तो इसमें बहुत सारे साउंड दिए गए, एक तो सिस्टम साउंड जो कि पहले सबको मिलता है, यहाँ पर आप कीबोर्ड का साउंड तक चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको साउंड अच्छा लगे आप उस पर क्लिक कर लो और वो वहां पर एक्टिवेट हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट मुझे यहाँ पर इफेक्ट्स ही लगे, मुझे लगा यार ये वीडियो बनानी चाहिए। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू दोस्तों। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है मेरी कुछ कमी तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप हमें डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाना ना भूले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक को लोगों ने भी ना बोले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।